हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, डीएमआरसी का जो क्वेश्चन था, डीएमआरसी का हमने डिस्कशन किए थे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हम कर चुके थे। जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 19 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। ये फिटर क्वेश्चन है, जो लोग फिटर बंदे हैं या मैकेनिकल स्टूडेंट है, अगर कई इसरो डीआरडीओ या कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए दोस्तों। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, अच्छा अच्छा चीज़ पता चल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उसका रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा दोस्तों डिस्क्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, मैं 20 नंबर क्वेश्चन तक गया था। वो वीडियो आप अभी तक देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हो। 20 नंबर तक हम क्वेश्चन तक गए थे। 21 से शुरू करते हैं दोस्तों। 21 का क्वेश्चन ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फिट ऑन द टॉप साइड ऑफ लेद। तो लेद का टॉप साइड में कौन सा पार्ट्स रहता है। टॉप मतलब ऊपर, तो टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट जो है उसके ऊपर रहता है, उसके नीचे बेड रहता है, उसके नीचे लेग रहता है दोस्तों। ये 21 नंबर का आंसर है टूल पोस्ट। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन को आ जाते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको भी क्लियरली नहीं दिखा होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन को आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हेक्सो ब्लेड। तो हेक्सो ब्लेड का जो मटेरियल है, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड इन पावर हेक्सो ब्लेड। मटेरियल हेक्सो ब्लेड का मटेरियल क्या है दोस्तों, हाई स्पीड स्टील। और यहाँ पे एक एक जगह में हाई स्पीड स्टील नहीं होता है तो आप हाई कार्बन स्टील भी लगा सकते हो, उसमें सही रहेगा। हाई कार्बन स्टील में भी कभी कभी सही रहता है। तो यहाँ पे फिर 23 को आ जाइए दोस्तों, व्हिच टाइप्स ऑफ। मैं यहाँ पे हेक्सो ब्लेड को लेके क्वेश्चन पूछूंगा, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। हेक्सो ब्लेड अकॉर्डिंग टू सेट, कितने टाइप का सेट आता है दोस्तों। यहाँ पे जो भी आपकी राइट आंसर वो मुझे वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपकी ये क्रॉस क्वेश्चन है, मैं पता चल जाएगा आपकी कितना लेवल में तैयारी है दोस्तों। यहाँ पे 23 को क्वेश्चन को आ जाइए। 23 का क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट इज टू शॉर्ट। जो शाफ्ट, दोनों का शाफ्ट के अंदर अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो यहाँ पे जो बेल्ट लगेगा वो कौन सा टाइप का बेल्ट लगेगा। तो आप देख लीजिए, वी बेल्ट है और इसका राइट आंसर है दोस्तों वी बेल्ट, क्योंकि वी बेल्ट लाइट पर्पज में यूज होता है, हैवी ड्यूटी में नहीं यूज होता है और शॉर्ट डिस्टेंस में यूज होता है दोस्तों। वहाँ पे फिर आ गया है, तो व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक आपको सबको पता होगा दोस्तों, इस टाइप का एक ब्लॉक होता है जिसमें यहाँ पे ये एंगल आपको पूछा जा रहा है। तो ये एंगल का डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री रहेगा। ये 90 डिग्री क्यों है, यहाँ पे अगर आपको सिलिंड्रिकल सरफेस एक रख रहे हो तो इसको माउंटिंग करने के लिए यहाँ पे रखा गया है 90 डिग्री। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाएंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रेप्चर और फेल्योर इज कॉल्ड। मटेरियल का प्रॉपर्टी मांग रहा है, तो आपकी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी ऐसा है जो मतलब टूटेगा नहीं और फेल्योर भी नहीं होगा, तो वो प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं दोस्तों। प्लास्टिसिटी को देखो, देख सकते हो आप, कोई प्लास्टिक को लेके उसको बेंड करोगी तो वो टूटेगा नहीं पर बेंड हो जाएगा, उसको वो प्रॉपर्टी को मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन को आ जाइए। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर्ड बाय वर्नियर विवेल प्रोट्रैक्टर। वर्नियर विवेल प्रोट्रैक्टर के अंदर ये कौन सा मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्नियर विवेल गज, वर्नियर विवेल प्रोट्रैक्टर, ये सारे एंगल मेजरमेंट में के लिए ये यूज होता है दोस्तों। इसका एक तीन पार्ट होता है, जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए इसका वर्नियर विवेल प्रोट्रैक्टर का पार्ट्स क्या क्या होता है। उसके बाद दोस्तों 27 नंबर को आ जाते हैं। 27 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। GMAW इसका राइट आंसर है दोस्तों। आपको अगर पता है GMAW का फुल फॉर्म, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए GMAW का फुल फॉर्म क्या है। 28 नंबर को आ जाते हैं। 28 नंबर का आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लिप गज इज यूज्ड प्रिपेयर
प्रिसिशन टूल रूम वर्क। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी स्लीप गज है वो ग्रेडिंग होता है 0001 2 2, मतलब I2I, तो ये चारों ग्रेड में ग्रेडिंग होता है। इसको ग्रेडिंग वाइज आपको वर्क प्रोफाइल वाइज वो ग्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे मांग लिया कि प्रिसिशन टूल रूम पर्पज में कौन सा यूज होता है, तो यहाँ पे ग्रेड 1 प्रिसिशन टूल रूम में यूज होता है। तो ग्रेड 0 मुझे बताइए, ग्रेड 0 कौन सा यूज में आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो 29 क्वेश्चन को आ जाइए दोस्तों। व्हिच ऑफ दोज कंपास यूज्ड फॉर स्क्राइब ए सर्कल एरिया विथ लार्ज डायमीटर। दोस्तों ये एक कंपास होगा जो आपको लार्ज डायमीटर में आप उसको सर्कल बना सकते हो। दोस्तों इसको बोलते हैं हम ट्रामेल। ट्रामेल कंपास जो है वो यूज होता है आपको लार्ज डायमीटर, जैसे कि 300 mm 500 mm में वो ट्रामेल यूज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलिपर इज यूज ऑन ऑल्ड लेग कैलिपर। ऑल्ड लेग कैलिपर किसको बोलते हैं, और ऑल्सो नॉन आज मतलब किसको बोल सकते हैं ऑल्ड लेग कैलिपर। जेनी कैलिपर को उसका अदर नेम है ऑल्ड लेग कैलिपर। तो उसके बाद 31 क्वेश्चन, स्टील इज एन अलॉय मेड अप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्टील आपको कौन सा, तो आपको पता होगा स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन कार्बन। आयरन कार्बन है तो कार्बन परसेंटेज वाइज आपको स्टील स्पेसिफिकेशन हुआ है HSS, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, ये सारे कार्बन परसेंटेज वाइज स्टील स्पेसिफिकेशन हुआ है दोस्तों। उसके बाद आपको इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉकिंग नॉट ए स्लॉट इज कॉट हाफ वे टू एक्रॉस द नॉट। दोस्तों यहाँ पे आपको एक नॉट, ये सारे नॉट आपको पता होगा दोस्तों। ये नॉट में आपको एक डेफिनेशन दे दिया, उसको देख सकते हो। लॉकिंग नॉट है ए स्लॉट कट हाफ अवे, मतलब आधा में कटा हुआ है, उसका नाम है दोस्तों सॉ नॉट। ये यहाँ पे कैस्ट्रल नॉट होता है, तो दोस्तों इसका डेफिनेशन याद करके रखिए, क्योंकि कैस्ट्रल नॉट बहुत टाइम में आता है। यहाँ पे सॉ नॉट पूछा दिया गया है। तो उसके बाद 33 नंबर को आ जाता है, द रिंग ऑयलिंग सिस्टम इज नोन एज। तो रिंग ऑयलिंग सिस्टम मैं बोलूंगा यहाँ पे फ्लैश फीड होता है। फ्लैश फीड मतलब आपको रिंग ऑयल में कौन एक रिंग होता है जो यहाँ पे ऑयल में इतना परसेंट डूबा रहता है, ये जो रिंग घूमेगा, घूमने के साथ साथ ऑयल ऊपर जाएगा और लुब्रिकेटिंग होता जाएगा दोस्तों। ये रिंग जो आधा सरफेस ऑयल में डूबा रहेगा। उसके बाद 34 नंबर को आ जाता है, जो भी दोस्तों प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट दीजिए दोस्तों। और 34 को आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग आइटम इज यूज्ड एज ब्लॉक ऑफ ए पाइप। तो पाइप में कौन सा चीज ब्लॉक करने के लिए, पाइप को एंड पर्सन को ब्लॉक करने के लिए वो यूज होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों प्लग। कई कई जगह में होगा, आपको देखा होगा पाइप को बंद किया होगा, उसके हेड में एक है स्क्वायर साइज का एक हेड होगा जिसको खोलने के लिए और टाइट करने के लिए होगा, उसको बोलते हैं हम प्लग, एंड प्लग उसको बोल सकते हो, एंड प्लग बोल सकते हो दोस्तों। उसके बाद ओयर इज द पर्शियन ब्लू यूज्ड। पर्शियन ब्लू कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, सरफेस फिनिशिंग में। आप अगर जॉब किए हो तो ITI में, तो आपको पता होगा चॉकिंग करके मार्किंग करते होंगे, तो वो एक सरफेस फिनिश होता है दोस्तों। सरफेस फिनिश्ड पर्शियन ब्लू में यूज होता है। पर्शियन ब्लू एक्चुअली सरफेस फिनिश में यूज होता है। तो उसके बाद 36 को आ जाइए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर। वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का पर्पज क्या है, मेजरिंग डेप्थ मेजरिंग होता है, या मेजरिंग डायमीटर होता है, या मेजरिंग लेंथ होता है, या एंगल मेजरिंग। तो बिवेल प्रोट्रैक्टर का यूज होता है दोस्तों एंगल मेजरिंग। यहाँ पे यूनिवर्सल बिवेल प्रोट्रैक्टर एक होता है और वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर होता है, ये सारे में काम है एक ही है, एंगल मेजरमेंट। उसके बाद 37 को आ जाते हैं, व्हिच ऑफ दोज अब व्हिच ऑफ दोज इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड। पाइप थ्रेड का एंगल दोस्तों यहाँ पे मुझे भी पता है 55 डिग्री BSW एक है और BSP है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, उसका 55 डिग्री एंगल है होता है दोस्तों।
और दोस्तों ये स्टैंडर्ड है, ऐसा ही जो है स्टैंडर्ड 60 डिग्री का वी थ्रेड का एंगल है। उसके बाद 29 डिग्री मुझे बताइए दोस्तों, 29 डिग्री कौन सा थ्रेड का एंगल 29 डिग्री है, 29 डिग्री कौन सा थ्रेड का एंगल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 38 को आ जाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फिट ऑन द टॉप ऑफ कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट किसका पार्ट्स है, लेथ का पार्ट्स है दोस्तों, लेथ का एक कंपाउंड रेस्ट पार्ट्स होता है उसके, वो पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फिट ऑन द कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट में कौन सा पार्ट फिट होता है, टॉप स्लाइड होता है दोस्तों, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टॉप स्लाइड रहता है। उसके बाद दोस्तों 39 को आ जाते हैं, ये एक प्रॉब्लमेटिक है, आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओपन बेल्ट को लेके ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये अच्छा खासा प्रॉब्लम है। इसरो में ऐसे टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, इसरो और DRDO में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। 39 को आपके लिए टास्क है, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो है और यहाँ पे मैं डिस्प्ले में भी समझा नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद 40 नंबर को आ जाते हैं, द चिजल यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग होता है दोस्तों, होल को कंटिन्यूसली जोड़ जोड़ के इसको होल करते हैं और यहाँ पे छोटा छोटा मेटल रह जाता है जो आपको इसको चिजलिंग करके ये मेटल को पार्टीशन करना पड़ेगा दोस्तों। वेब चिजल होता है जो चैन ड्रिलिंग में यूज होता है, ये चिजल यूज होता है चैन ड्रिलिंग करने के बाद, ये पर्सन को आप काटने के लिए ये चिजल यूज होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन और कर दिया है, इससे पहले 20 क्वेश्चन बताया था दोस्तों, इसी टाइप का मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा, आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, और 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए और मैं इसका पूरा सोल्यूशन दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।